नमस्कार रिपब्लिक बांगलार फेसबुक पेज एवं अवश्य यूट्यूब चैनल आपनादेर स्वागत। आमी पिंकी रयेछि आपनादेर संगे एवं आपनारा जानेन जे मुर्शिदाबादेर सागरदीघीते उपनिर्वाचन एवं जे उपनिर्वाचनके घिरे इतिमध्ये किन्तु राजनैतिक बला जेते पारे जे राज्य राजनैतिक इतिमध्ये किन्तु चर्चा तुंगे। एक बैकग्राउंड जानी रखी अपनारा जानें सागरदीघीते मंत्री तथा सागरदीघी जिन विधायक सुब्रत साहार मृत्युर पर किन्तु ये आसनटी रही है सागरदीघिर सेखाने उपनिर्वाचन आगामी 27 तारीखे अर्थात आगामीकाल निर्वाचन होते चले तार जेने इतिमध्ये किन्तु त्रिमुखी होते चले युद्ध किन्तु तार थेकेओ जेटा बड़ो फैक्टर जे पंचायत निर्वाचन आमरा जानी जे 2023 पंचायत निर्वाचन होते चले तार आगे तार 2024 लोकसभा भोट एवं ये दुटोर आगे बलाई बाहुल्य जे प्रत्येक राजनैतिक दल तादेर क्षमता कतटा तार एकटा एसिड टेस्ट किन्तु हो जाबे सागरदीघी उपनिर्वाचनेर माध्यमे। एकदिके रयेछे बाम जोट बाम एवं कांग्रेस जोट अन्यदिके रयेछे तृणमूल एवं आरेकदिके रयेछे बीजेपी त्रिमुखी युद्धेर दिके ताकिये रयेछे किन्तु गोटा बांगला। अन्यदिके एकई संगे जानिये रखा भालो जे सागरदीघीते एइबारे निरापत्ता एवं अवश्य सुष्ठु शांतिपूर्ण हिंसा मुक्त एक वोट करा यही मुहूर्ते चैलेंज निर्वाचन कमिशनर का तई अवश्य ता चाहते जाते जेको उपाय जाते शांतिपूर्ण है वोट एवं कोनो भावे जाते हिंसा एड़ानो जाए हिंसा जाते ना घटे तार फले नजरविहीन भावे 245 बूथे भोट हबे एवं भोटेर आगे सागरदीघीते पा रेखेछे प्राय 30 कम्पानी केंद्रीय बाहिनी जेटा नजरविहीन बला बाहुल्य कारण 245 बूथेर जोन्नो बा सागरदीघी उपनिर्वाचनेर जोन्नो एतटा जे जवान बा एतटा केंद्रीय बाहिनी एटा एकटु होलेओ नजरविहीन ताई स्वाभाविकभावेई निरापद एवं अवश्य हिंसा मुक्त भोट कराते चाइछे निर्वाचन कमिशन। अन्यदिके कोन दलेर एखाने राजनैतिक कोन दलेर शक्ति रयेछे सेटा किन्तु एकमात्र परीक्षा करे তাই সব মিলিয়ে সাগরদীঘী উপনির্বাচনটা অত্যন্ত জরুরি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষেত্র। আজ সকাল থেকে যে ছবিটা উঠে এলো যে ভোটকর্মীরা বুথে বুথে পৌঁছে যাচ্ছেন তাদের যে ভিভিপ্যাট রয়েছে তাদের যে ভোটের সরঞ্জাম রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে তারা পৌঁছে যাচ্ছেন বুথে বুথে। স্ট্রংরুম থেকে আগামীকাল পৌঁছে যাবে ইভিএমগুলো বুথে 245টি বুথে ভোটকর্মীরা ইতিমধ্যেই বুথে বুথে পৌঁছতে শুরু করেছে। সব মিলিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে ভোটের প্রস্তুতি তুঙ্গে ভোট গণনা হবে 2 তারিখে অর্থাৎ আপনাদের জানিয়ে রাখি যে মার্চের 2 তারিখে ভোটের গণনা হবে। তাই আগামী দিনে আমরা তাকিয়ে থাকবো 2 তারিখের দিকে এবং অবশ্যই সাগরদীঘী উপনির্বাচনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে যে খুঁটিনাটি আপডেট সেগুলো কিন্তু আপনাদের দেখতে থাকবো। তাই অবশ্যই রিপাবলিক বাংলা স্ক্রিনের সঙ্গে সঙ্গে চোখ থাকুক ফেসবুক এবং ইউটিউব পেজে।